जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। आज मैं पंचामृत स्नान का महत्व बताऊंगी कि क्यों पंचामृत स्नान कराना चाहिए। तो चलिए, सबसे पहले मैंने एक परात लेकर उसमें सातिया बनाकर भगवान जी को रख लिया है। देखिए, सातिया बनाते समय सातियों को भी नहीं काटना है, ये भी छोटी छोटी चीज़ों को भी ध्यान में रखना चाहिए हमेशा। सबसे पहले भगवान जी के ऊपर पानी डालना है, आपको जल से स्नान कराना है। उसके बाद आपको दूध से स्नान कराना है। दूध से स्नान कराने के बाद आपको उन पे थोड़ा सा हाथ लगाना है भगवान जी को। मैं चारों को पंचामृत स्नान करा रही हूँ। दूध के बाद फिर दही डालना है। पंचामृत स्नान में पांच चीज़ों का हम प्रयोग करते हैं, जैसे दूध, दही, घी, चीनी, शहद, और बाकी काफ़ी लोग हैं जो शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराने पर गन्ने के रस का भी उपयोग करते हैं। तो मैंने पांच चीज़ें यही ली हैं कि दूध, दही, शहद और घी और शक्कर। तो मैंने इस तरीके से इनको स्नान कराया है। तो देखिए, अब मैं आपको ये बता देती हूँ कि पंचामृत स्नान कराने के क्या मतलब लाभ है, क्या फ़ायदे हैं, क्या मतलब क्यों कराना चाहिए उनको, क्या ज़रूरी क्यों है। तो सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि पंचामृत स्नान कराने से शुद्धि होती है। दूसरी चीज़, मन की जो नकारात्मक शक्ति होती है वो भी ख़त्म होती है। और बीच बीच में भगवान जी को पंचामृत स्नान कराते रहना चाहिए। और काफ़ी लोग तो ये है कि रोज़ कराते हैं, और जो लोग रोज़ नहीं करा सकते हैं वो कभी कभी तो करा ही सकते हैं। जैसे कोई भी बड़े त्यौहार पड़ते हैं, या कोई भी मतलब जैसे सोमवार पड़ रहा है, या फिर कोई एकादशी वगैरह पड़ रही है, या फिर कोई मंगलवार है, तो इस दिन आप अच्छे से करा सकते हैं। आपके पास पुष्प हैं तो आप उनको पुष्प दे सकते हैं, भगवान जी को वो अर्पित कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सब चीज़ों का बहुत मतलब ध्यान रखना होता है कि जो मतलब लोग होते हैं ना, जो बहुत चंचल स्वभाव के होते हैं, तो उनकी भी इन सब चीज़ों पर रोकथाम लगती है। कि ये सब चीज़ें जो मन में चलती रहती हैं, कि हर समय मन उड़ा उड़ा सा रहता है, तो जब हम भक्ति में अपने मन को लीन करते हैं, विलीन करते हैं, तो ये सारी चीज़ें क्या है कि हमारे दिमाग में से हट जाती हैं। तो बहुत सारा इनका फ़ायदा है, लाभ है भगवान जी को पंचामृत स्नान कराने का। ठीक है, उसके साथ साथ ही मन की शांति मिलती है हम लोगों को, कि हमने मतलब कुछ किया है भगवान जी के लिए। तो देखिए, अभी मैंने इनको लाके यहाँ पे रख लिया है टेबल पे। अब मैं शिवलिंग का श्रृंगार करती हूँ। आज के श्रृंगार दर्शन बहुत ही अच्छे हैं, आप देखिएगा, बहुत सुंदर श्रृंगार हुआ है सब प्रभु जी का। ये मैंने गंगा जल भी रख दिया है, शिव जी को चढ़ा दिया है। और यहाँ पे मैं आज रुद्राक्ष की माला से शिव जी का श्रृंगार कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैं रुद्राक्ष की, ये 108 इसमें रुद्राक्ष हैं जिस माला से मैंने इनको किया है ये श्रृंगार। तो 108 मालाओं का ये मैंने शिव जी को पहनाई है। अब देखिए, ये मैंने बेलपत्र लगा दिया है जो कि चांदी का है। आपके पास पत्ते वाला है तो वो लगा लीजिए, क्योंकि इस मौसम में क्या होता है कि साफ़ नहीं मिलता है बेलपत्र, क्योंकि कभी बारिश, कभी आंधी, कभी ऐसा, तो इसीलिए। अब ये देखिए, मैंने मंदार का पुष्प भी, भगवान शिव को बहुत प्रिय है, तो मैंने ये भी उनको लगा दिया। ये देखिए, हम श्रृंगार कर रहे थे, हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि आज भगवान जी को क्या पहना है क्या नहीं पहना है। बहुत सारा खोल के बैठी, तब जाके समझ में आया कि मुझे आखिर उनको क्या पहनाना है। फिर मैंने ये दो ड्रेस सेलेक्ट की, जो इसमें एक तो मोल की है और एक मेरे खुद की हाथों की बनाई हुई है। तो जो मैं लड्डू बाबू को पहना रही हूँ वो मेरे खुद के हाथों की बनाई हुई है। ये देखिए, मैं आपको पूरा दिखाऊंगी, बहुत सुंदर, बहुत प्यारी ड्रेस बनी है। और इनका श्रृंगार भी इतना अच्छा हुआ था, बहुत प्यारे लग रहे थे काना। ये देखिए, पूरा पूरा घुमा के मैंने आपको दिखा दिया कि बहुत प्यारी। अब ये देखो, मैंने इनको माला पहना दी है। माला पूरी मतलब जैसे दो माला पहनाने की ज़रूरत नहीं है, इसमें एक ही मैं दोनों का वो आ रहा था कि कंठी जैसी भी लग रही है और नीचे लटकन भी लग रही है, तो इसीलिए मैंने ये इनको पहना दी। तिलक लगा दिए। अब कान में कुंडल के लिए मैंने इनको जो बड़ी बिंदी होती हैं वो बना दी है। काफ़ी टाइम से सोच रही हूँ कि मैं इनके कानों के बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें मैं अपने हाथों से ही बनाती हूँ। ये देखिए, कड़े भी इनके मैंने अपने हाथों से बनाए। अब इनको इत्र सेवा दे दी है। इत्र सेवा देने के बाद अब मैं इनको बाल लगा दूंगी। बाल लगाने के बाद अब मैं इनके लिए
आज मैं इनको मुकुट नहीं लगाऊंगी, क्योंकि कान्हा का जो ग्वाले वाला और जो वो वाला फेस होता है वो मैं क्रिएट करने की आज कोशिश कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने आज इनको ऐसे करके वो फटका लेके ऐसे बांध दिया है मैंने, और मोर पंखी लगा दी है। तो कान्हा बहुत प्यारा लग रहा था, मैंने बंसी दे दी कान्हा को राधे के नाम की। तो अब देखिए, ये हमारे आ गया बाल हनुमान का, अब इनका सिंगार कर देते हैं। तो इनको मैंने ड्रेस बना दी है, ड्रेस बनाने के बाद इनको भी मैंने लंबा हार पहनाया, और इनको एक अलग से मैंने इनको छोटा जो जिसके गला भर जाए पूरा, मैंने एक वो हार पहनाया इनको। अब मैंने इनको कंगन पहना दिए, बहुत प्यारे लग रहे थे कंगन भी, ये थोड़ा गोल्ड वाला लुक आ रहा है। जो हाथ से बनाए थे वो नहीं पहनाए मैंने, आज मैंने सोचा ये वाले इनको पहनाती हूँ। तो ये वाले भी बहुत प्यारे लग रहे थे। अब ये मैंने तिलक भी लगा दिया, कानों में भी पहना दिए। इनको चमेली का तेल बहुत प्रिय है, तो प्लीज़ इनको चमेली वाला लगाइएगा। और कृष्ण भगवान को आप किसी भी फूल वगैरह का उनका लगाइए, मोंगरी के फूल वगैरह उनका लगाइएगा, इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। तो ये देखिए, बाल हनुमान बहुत प्यारा लग रहा था, पगड़ी सी बांध दी थी मैंने, ये मैंने भोले बाबा का भी कल श्रृंगार किया था उसमें से ही मेरे को आइडिया आया। अब ये देखिए, मैं अपने गनू को भी तैयार कर रही हूँ, आज चार प्रभु जी का श्रृंगार किया है मैंने, माला पहना दी है, और ये देखो फटका लगा के बहुत ही प्यारा लग रहा था गनू। और अब मैंने इसको कंगन भी पहना दिए हैं, चुन्नू सा है लेकिन इतना क्यूट लगता है बहुत, इसको तैयार करने में मुझे बहुत अच्छा लगता है। अब ये देखिए, मैंने इसको मुकुट भी लगा दिया है, मुकुट लगाने के बाद ये इनका फाइनल लुक है जो बहुत प्यारा लग रहा है। अब एक बार मैं और दर्शन करा देती हूँ, ये देखिए कान्हा, कान्हा की गाय। अभी देखिए बाल हनुमान जी, इनका भी बहुत प्यारे लग रहे थे, भोग भी रख दिया है।